हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे रॉकेट बॉयज, जो कि सोनी लिव ऐप पर रिलीज हुई है। इसमें टोटल 8 एपिसोड है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 37 मिनट से लेके 54 मिनट्स के बीच में ही। और शो की कहानी फोकस करती है दो लेजेंडरी साइंटिस्ट, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई पर। क्या शो की प्लॉट सिंपल सी है कि 1962 में जब इंडिया और चाइना की वॉर चल रही थी, डॉक्टर होमी बाबा ने ये डिसाइड किया था कि अब इंडिया के पास भी एक एटम बॉम्ब होना चाहिए। लेकिन विक्रम साराभाई उनके बिल्कुल भी अपोजिट थे। लेकिन अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते, कैसे ये कहानी 22 साल पीछे यानी कि आज़ादी से भी पहले और आज़ादी के बाद की कहानी और उस वक्त हुए जो हिस्टोरिक मोमेंट्स को हमें दिखाती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। देखो यार, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, जिसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंटेंस है और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है उन सारे यूथ ऑफ इंडिया या फिर उन पुराने चावल के लिए जो इनको एडमायर करते हैं। और आगे जो हमारे आने वाले फ्यूचर के जो यंग बच्चे हैं, वो लोग अगर इनको देखेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे इंडिया के लिए। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। और साथ साथ आपको एक चीज़ बता दूँ, ये फिजिक्स प्रोफेसर थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, और उसके बाद ये फाउंडर भी रहे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, जो कि मुंबई में है। उसके अलावा अगर डॉक्टर विक्रम साराभाई की बात करें, तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। और उसके अलावा इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो डेवलप करने में हमारे इंडिया के न्यूक्लियर पावर को। शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करें, तो हर एक कैरेक्टर को अपना स्क्रीन टाइम दिया और उनको इतनी अच्छी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया। उनके द्वारा किए गए जो इवेंट्स है वो आपको इतनी अच्छी तरह से बताया कि एक मोमेंट में आपको ऐसा फील होता है कि यार आप उसी इरा में वापस चलोगे। उसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर होमी बाबा और विक्रम साराभाई के अलावा हमें APJ अब्दुल कलाम देखने को मिलते हैं। यकीन मानो, जब 4th एपिसोड के एंड में APJ अब्दुल कलाम, जबकि वो साइंटिस्ट बने भी नहीं थे, और तब उनका एक यंगर वर्जन जब हमें यहाँ पे देखने को मिलता, तो लिटरली गूज़बम्प्स आ जाते हैं। यार मैं क्या बोलूँ उनके बारे में यार, आपको मतलब पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद अब्दुल कलाम सर के बारे में भी काफ़ी कुछ चीज़ें उनके विजन को लेकर और उनके अंदर जो एक भूख थी वो आपको बहुत अच्छी तरह देखने को मिलती है। साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त क्या क्या डिसीजन लिए थे और किस तरह से वो बातें करते थे, बहुत कुछ चीज़ें आपको इस शो में उनकी भी देखने को मिलेगी। और थ्रू आउट द शो बीच बीच में जिस तरीके से हमारे महात्मा गांधी जी के उस वक्त जो वो आंदोलन कर रहे थे, वो जो पुरानी जो क्लिप्स जो वो लोग चला रहे थे ना, अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, कैसे वो मूवमेंट चल रहा था पूरा, वो क्लिप्स बहुत ही अच्छी लगती है। और बीच में जो वो नरेशन था, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों। मैं कॉस्ट्यूम्स की बात करूँ तो कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, वो इरा को रिक्रिएट बहुत अच्छी तरह से ब्रिटिश कार देखने को मिलेगी। शो में अगर डायलॉग्स की बात करूँ, तो मैक्सिमम डायलॉग्स यहाँ पर आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगी, जो कि थोड़ा बहुत मैक्सिमम ऑडियंस हमारे इंडिया में ऐसी आज भी जो ऐसी शो देखना पसंद करती है, लेकिन वो जो इंग्लिश डायलॉग्स उनको समझ में नहीं आते, तो थोड़ा बहुत उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन थ्रू आउट द शो आपको कुछ सीखने का, कुछ एक मोटिवेशन जरूर मिलेगा देखकर। और ये शो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि जहाँ पर ये शो खत्म हो वहाँ से तो मतलब भाई पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो, तो जिम शर्प एस होमी बाबा, वो गेटअप, वो एकदम कैरेक्टर में घुस जाना, वो एक्सेंट, वो चाल ढाल एकदम परफेक्ट लगते हैं। ईश्वर सिंह, जिसने यहाँ पर विक्रम साराभाई का रोल प्ले किया, उन्होंने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। APJ अब्दुल कलाम का रोल जिस एक्टर ने प्ले किया, जिस यंग एक्टर्स ने प्ले किया, उन्होंने भी अपने हिस्से को बहुत ही जान डाली। और शॉकिंग तो तब होता है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सर का एक्सेंट मैं उस वक्त था नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो गुलाम पिक्चर में जो आमिर खान के भाई बने, वो यहाँ पर उनके रोल को प्ले कर रहे हैं, और क्या एक्सेंट बोला यार, एक सेकंड में तो मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। ओवरऑल देखा तो शो का डायरेक्शन भी अच्छा लगा, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बताया है। अब जो ज्ञानी पंडित आएंगे वो कुछ भी कुछ कंट्रोवर्सी निकालेंगे इस शो में, तो मुझे नहीं पता, मुझे ये शो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत कुछ प्राउड मोमेंट्स देखने को मिले। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं शो के लिए इतना ही बोलूंगा कि यार अपनी फैमिली में बैठ के देख सकते हो, इसमें अश्लील कुछ भी नहीं है। और अगर रेटिंग्स की बात करें तो 8.5 आउट ऑफ 10। तो यार बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, द ग्रेट इंडियन मर्डर के 3 एपिसोड्स मैंने देखे हैं, 3, यस, उसका भी रिव्यू करूंगा, लेकिन शायद आज रात को या तो फिर कल सुबह। टिल देन वेट करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोगों की मर्जी। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगता है और आपको ये शो देखना है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।